गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 3, वेलकम यूर्स इन मैथ एक्टिविटी क्लास। क्या इस क्लास का नाम है? क्या है? मैथ का एक्टिविटी क्लास। इसमें अभी कुछ हम विशेष पढ़ाएंगे नहीं, कुछ आपको करने के लिए बताएंगे जो कि आपको पेज नंबर 40 में दिया है, डू एंड लर्न। इसको आप करें और कुछ सीखें। तो क्या है? एम टू रिव्यू रिग्रुपिंग, फिर से इसको संयोजित करने का लक्ष्य है। ये कोई चीज छोटा छोटा टुकड़ा में है उसको संयोजित करना है, एक जगह कलेक्ट करना है या फिर उसको विखंडित करना है, इसको आपको इसमें करना है। थिंग्स नीडेड शीट्स ऑफ स्क्वायर पेपर फ्रॉम मैथमेटिक्स नोटबुक कैरियंस और सीजर्स। इसके लिए, इस एक्टिविटी को करने के लिए, इस डू एंड लर्न पेज नंबर 40 में जो दिया है इसको आपको फॉलो करने के लिए क्या 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 चीजों की जरूरत होगी? तो आपको नोटबुक की जरूरत होगी, कॉपी की जरूरत होगी, कॉपी रहे आपके पास या फिर आप उजला वाला पेपर हो, ठीक है, या और फिर कैरियंस की जरूरत होगी, मोम पेंसिल की जरूरत होगी और सीजर की जरूरत होगी, चाकू की जरूरत होगी। अब क्या कर रहा है? डू एंड लर्न करिए और सीखिए। क्या? कट स्ट्रिप्स ऑफ स्क्वायर पेपर। स्क्वायर पेपर का आपको क्या करना है? एक स्क्वायर पेपर आप लिए और उसको कट करना है। ईच स्ट्रिप शुड हैव 10 स्क्वायर कलर, 2 स्ट्रिप्स ब्लू एंड अदर पिंक। अब क्या करना है इसमें? दे रहा है पेपर का आप टुकड़ा लीजिए, ठीक है, सपोज ये पेपर का टुकड़ा लीजिए, इसमें से कर रहा है 10 स्क्वायर कलर, 2 स्ट्रिप ब्लू एंड अदर पिंक। देख कर रहा है इसको, आप इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ऐसे ऐसे 1 2, मेरा छोटा या बड़ा हो जाता आप अपना ठीक है, 3 4 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया मेरा 10 पूरा हो गया, ठीक। इसको आप मिटा भी सकते हैं, आप ऐसे भी इसको 10 पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया अभी 10। ठीक है, बोला है ऐसा सीख लीजिए, उस पर ये ड्रॉ करके अपना रखे रहिए। अब ये कर रहा है, इसमें क्या हो गया आपका 10-10 का 10 ब्लॉक बन गया। कैसा पेपर लेने के लिए बोला था? स्क्वायर पेपर। हो सकता है हमारा ये जो बनाए हैं वो स्क्वायर नहीं भी हो। स्क्वायर का क्या मतलब होता है? जिसका ये दोनों ऐसे, ये और ये दोनों बराबर हो, जैसे ये 1 मीटर का हो तो ये भी 1 मीटर का हो। स्क्वायर और रेक्टेंगल वगैरह पढ़े हैं आप, इसमें क्या पढ़ना था? स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती हैं, जैसे ये 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी 1 मीटर होगा और ये भी 1 मीटर होगा, जिसकी चारों साइड बराबर होती है वो क्या होता है? स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग, ठीक है। और एक होता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या मतलब होता है? जी, रेक्टेंगल, हाँ, रेक्टेंगल हुआ आयत। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे ये हुआ आपका स्क्वायर, चारों भुजा इसका बराबर हो,
और रेक्टेंगल क्या हुआ, ये आपका हो गया रेक्टेंगल, या फिर ये भी रेक्टेंगल हो गया ऐसे, ये क्या हो गया रेक्टेंगल, और ये क्या हो गया स्क्वायर। ये क्यों रेक्टेंगल हुआ, ताकि रेक्टेंगल में ये बराबर होता है, आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं, फिर ये और इसके बराबर होगा। ठीक उसी तरह ये और ये बराबर हो गया, और ये बराबर हो गया। तो इसका चारों भुजा एक तरह का, ये चारों हिंदी में साइड को भुजा बोलते हैं, साइड साइड मतलब किनारा होता है ना, इसको भुजा बोलते हैं। तो ये रेक्टेंगल में दो एक दूसरे के बराबर होता है, दो एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। और स्क्वायर में चारों बराबर होते हैं, इसको लंबाई चौड़ाई बोला जाता है, ये वो लंबाई हो गया, ये लंबा हो गया, ये चौड़ा हो गया, तो क्या बोलेंगे इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, वो आपका क्या कहलाता है रेक्टेंगल, और जिसमें चारों बराबर होती है वो क्या कहलाता है हमारा वर्ग स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या देखना है, अब इसको बोल रहा है इसका cut strips of square paper, each strip should have 10 squares, color 2 strips blue and others pink। अब इसको कह रहा है दो, इसको इतना पोर्शन को आप कैंची से काट लीजिए, और काटने से पहले इसको ब्लू रंग से रंग दीजिए, दो स्ट्रिप को ऊपर से लेकर के एक दो नीचे तक, और उसको फिर ब्लू वाले को क्या कीजिए अलग अलग इसको काट लीजिए, ये अलग अलग, ऐसा आपको कितना बन जाएगा 20 स्ट्रिप बन जाएगा, 20 अलग अलग काटते हैं, और इसको पिंक कलर से रंग दीजिए पूरे को, ठीक है, पिंक कलर से रंग दीजिए और लंबाई में इसको काट लीजिए, ठीक। तो इसमें एक में कितना आ जाएगा 10 स्क्वायर हो गया, एक स्ट्रिप, स्ट्रिप मतलब क्या होता है पत्ता, एक स्ट्रिप में कितना आ जाएगा 10 ट्रायंगल, 10 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या आ जाएगा, इसको कटिंग कर देंगे तो एक में एक ही आएगा, एक में एक स्क्वायर आएगा, सिंगल स्क्वायर कटिंग करना है, 20 को अलग अलग सिंगल सिंगल काटना है, और इसको 8 पत्ता में काटना है जिसमें कि 10-10 स्क्वायर आएंगे, और कुछ वैसा ही आपको कहना है पूरे 100 का भी बना लेना है, उसको किस कलर से रंगना है, ग्रीन कलर से रंगना है, ठीक है, इसको आपको ग्रीन कलर से कलर कर देना है।